एल्फ्रेडो डी स्टेफानो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिन्होंने सुपर बैलन डोर भी जीता था। पर क्या तुम जानते हो कि उनकी वजह से इन क्लासिको फैंस प्रोटेस्ट करने लग गए थे। ये बात है 1953 की, जब एल्फ्रेडो डी स्टेफानो कोलंबियन साइड मिलोनारियोस एफसी के लिए खेलते थे, लेकिन उनके क्लब की एक गलती की वजह से डी स्टेफानो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों के लिए साइन हो गए थे। और रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन ने उस टाइम डिसाइड किया था कि उनको एक 4 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसमें वो 2 सीजन रियल मैड्रिड और बाकी 2 सीजन बार्सिलोना के लिए खेलेंगे। और इसी वजह से रियल मैड्रिड और बार्सिलोना फैंस जो बिगेस्ट रिवल है एक दूसरे के, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। और उस टाइम के बार्सा प्रेसिडेंट मार्टी कैरेटो को ये बात हजम नहीं हुआ था और उन्होंने स्टेफानो का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था ताकि वो रियल मैड्रिड को आसानी से ज्वाइन कर सके।